Today's topic is Wheatstone Bridge. It is an arrangement of four resistances used to determine one of these resistances quickly and accurately in terms of the remaining three resistances. Alright? It is made by or it is suggested by Sir C.F. Wheatstone in 1843. Alright? This one, it has four resistances arranged in this manner. Here, if I say this P is unknown resistance which I have to measure, one resistance Q is R is connected here. If I say I name it R, this one is Q and this one is S, or you, if you want, you can change it like this also, कि अगर आपका ये R है, आप इसको भी name कर सकते हैं, बस unknown resistance को आप कहीं भी रख लीजिए, उसमें ये वाला जो है हमारा, ये हमने अभी unknown resistance मान लिया है. Now, this is arrangement, किसी भी दो portion पे, अभी ये rule, इसको हम बाद में discuss करेंगे, किसी भी दो junctions को हमने ऐसे connect करके बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी से, ठीक है, ये दो अपोजिट जंक्शंस हैं, उसको मैंने बैटरी से कर दिया. कंसेक्यूटिव जंक्शंस नहीं होने चाहिए, अपोजिट जंक्शंस होने चाहिए, ठीक है. ये वाले जो दो जंक्शंस हैं बी और डी, इनके बीच में एक हाई सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर अटैच्ड है. गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस दैट टेल्स whether the circuit has current or not, or this arm has current or not. It tells only the presence or absence of current. Alright, so this is high sensitivity galvanometer. Now, bridge is said to be balanced when the potential difference across galvanometer is zero. इस ब्रिज को बैलेंस तब कहते हैं जब इस वाली आर्म से कोई भी करंट ना पास हो रही है, ठीक है, यानी गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास ना हो रही हो, और यही दूसरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज ज़ीरो. अगर इस पोजीशन और इस पोजीशन के बीच में पोटेंशियल ग्रेडियंट या पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होगा, तब इनके और इनके बीच में करंट पास नहीं करेगी, क्योंकि करंट तभी पास करती है जब पोटेंशियल हायर से लोअर की ओर, हायर और लोअर के बीच में अरेंजमेंट होता है, ठीक है. तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कोई भी करंट नहीं होगी, ठीक है. तो अब यहाँ पे हम इसको बैलेंस कंडीशन को कैसे डिराइव करते हैं उसको देखते हैं. देखिए, ये जो अरेंजमेंट है इसमें हम किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें कुछ करंट चाहिए किरचॉफ के सेकेंड लॉ के लिए. सो वी अज्यूम करंट आई इज फ्लोइंग फ्रॉम हियर. नाउ सी वन बाय वन. नाउ दिस आई करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड हियर एज आई वन एंड हियर एज आई टू, ठीक है. आई वन और आई टू में डिस्ट्रीब्यूट हुई. ये आई वन करेंट यहाँ पहुँचते मान लीजिए गैल्वेनोमीटर के क्रॉस अभी करंट जीरो नहीं है. गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जिसकी अपनी खुद की करंट कुछ लेने की क्षमता होगी, कि वो कितने, उसका भी अपना खुद का कुछ रेजिस्टेंस होता है. गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज मेड अप ऑफ सम कॉपर वायर्स अरेंज्ड इन अ हेलिकल फॉर्म और अरेंज्ड ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर. तो इसका अपना खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर को. सो इफ गैल्वेनोमीटर ड्रॉज आई जी करेंट, इट इज़ वेरी स्मॉल करेंट, तो बची हुई करंट कहाँ जाएगी इस वाले में, यानी कौन सी, आई वन माइनस आई जी. ऑल राइट, नाउ एज दिस आई जी मूव्स हियर, I2 is coming from here, so here the current will be how much? I2 plus IG, ठीक है. और ये I2 plus IG यहाँ आएगी, I1 minus IG यहाँ आएगी, दोनों जोड़ दीजिए, IG IG cancel out, I1 plus I2, और यही करंट हमारी आगे क्या बन जाएगी, I, जो कि किसके बराबर थी, I1 plus I2. So this is our circuitry. Now we will apply Kirchhoff's law, applying Kirchhoff voltage law, KVL, in loop
which one? A B D और A. और मैंने इसमें जो डायरेक्शन ली ट्रेवर्सल की वो ये ली, ये अपने से लेना पड़ता है, इसकी आप प्रैक्टिस करते रहिए KVL में. ऑल राइट, सो दिस वन इज ए बी डी ए ट्रेवर्सल. नाउ एज आई हैव टोल्ड यू दिस I1 एंड द ट्रेवर्सल डायरेक्शन इज सेम, सो दिस विल बी पॉजिटिव I1 मल्टीप्लाइड बाई द रेजिस्टेंस. सो इन फर्स्ट लूप I1 मल्टीप्लाइड बाई द रेजिस्टेंस, इट इज पॉजिटिव. नाउ हियर IG इज अलॉन्ग द ट्रेवर्सल, करंट की डायरेक्शन और ट्रेवर्सल की डायरेक्शन सेम, तो IG मान लीजिए इसका इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल G है. सो प्लस रहेगा ये IG इंटू G करंट, और ये G क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, बिकॉज गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस. अब जब हम ट्रेवर्सल यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा ट्रेवर्सल क्लॉक वाइज है, लेकिन I2 इधर आ रही है, सो इट इज निगेटिव माइनस I2Q. ऑलराइट, ये हमने अपने से दे दिया, सो इट इज इक्वल्स टू, अब देखिए क्या इसमें कोई EMF है, नहीं है, सो इट इज इक्वल्स टू 0, EMF वाला पोर्शन 0. ऑलराइट, सो इट इज इक्वेशन 1. नाउ अप्लाइंग KVL टू सेकेंड लूप हियर, यहाँ ये अप्लाई कर दिया, तो लूप इज BCDB. यहाँ पे देखिए क्या है, वन बाई वन हम चलेंगे. सबसे पहले I1 माइनस IG इज द करेंट इज अलॉन्ग, सॉरी I1 माइनस IG स्मॉल g, दिस इज अलॉन्ग R एंड अलॉन्ग ट्रेवर्सल ऑल्सो, सो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाई R. नाउ दिस इज द ट्रेवर्सल डायरेक्शन बट द करेंट इज I2 प्लस IG हियर, सो इट इज अपोजिट, सो माइनस I2 प्लस IG मल्टीप्लाइड बाई S द रेजिस्टेंस ऑफ दिस पोर्शन. यहाँ ट्रेवर्सल उसी दिशा में, यहाँ ट्रेवर्सल करंट की अपोजिट दिशा में. यहाँ देखिए जब ये क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो IG तो नीचे है और ये हम ऊपर जा रहे हैं, तो इसका मतलब IG ये वाला भी निगेटिव, सो इट इज माइनस ऑफ IG इंटू G. G इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर. नाउ हियर अगेन देयर इज नो एनी EMF और द बैटरी इज कनेक्टेड, सो इट इज 0 इक्वेशन 2. नाउ वी हैव टू इक्वेशंस, ये हमारी इक्वेशंस हो गई. अब हम इसमें वो कंडीशन लें जो बैलेंस कंडीशन होती है. बैलेंस इज सेड टू बी व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज 0. गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या फिर करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0 और द IG 0. सो अकॉर्डिंग टू बैलेंस कंडीशन IG इज 0. सो अंडर बैलेंस कंडीशन IG इज इक्वल्स टू 0. अब उसी इक्वेशंस में मैं जहाँ जहाँ IG है वहाँ वहाँ 0 रख रहा हूँ, तो I1P प्लस 0G माइनस I2Q इज इक्वल्स टू 0. सो फर्स्ट इक्वेशन इज I1P माइनस I2Q इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये फर्स्ट वाली हो गई. सिमिलरली सेकेंड वन, I1 IG की जगह मैं 0 रख रहा हूँ, R माइनस I2S इज इक्वल्स टू 0. सो दिस वन इज थर्ड इक्वेशन एंड दिस वन इज फोर्थ इक्वेशन आफ्टर पुटिंग IG इज इक्वल्स टू 0. नाउ पुट दिस नेगेटिव क्वांटिटी हियर, नेगेटिव क्वांटिटी हियर, सो इट इज I1P इज इक्वल्स टू I2Q एंड I1R इज इक्वल्स टू I2S. टेक रेशियो, सो इट बिकम्स P बाई R इज इक्वल्स टू Q बाई S, और यू कैन राइट P
by Q is equals to R by S. These are actually the values of resistances. अब यहाँ अगर आपको R, S और Q पता हो तो आप आसानी से P निकाल सकते हैं. ये values हैं resistances की, P, Q, R, S. So this is what the balance condition of Wheatstone bridge is. Now, what is sensitivity of galvanum Wheatstone bridge? Wheatstone bridge sensitivity means how much accurate is the Wheatstone bridge. So sensitivity of a Wheatstone bridge depends on two factors. First one, bridge is most sensitive when all the four resistances are of the same order. Means अगर आपको एक अंदाज़ा है कि आपको अननोन जो रेजिस्टेंस निकालना है वो किलो ओम का है कि केवल ओम्स वैल्यू का है, 100 है कि 1000 ओम्स के अराउंड में है कि मेगा ओम्स में है, देन यू कैन मेक मोर सेंसिटिव व्हीटस्टोन ब्रिज बाय यूजिंग थ्री रेजिस्टेंसेज ऑफ द सेम ऑर्डर. अगर एक मेगा ओम का है अननोन वाला तो बाकी को मेगा ओम्स वाला भी यूज़ करिए, है ना. सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड वन इज relative position of battery and galvanometer. See, very important two rules. First one, कैसे हम अपनी sensitivity अच्छी करें. तो first one is, battery should be so connected that the resistance in series with the resistance to be measured is greater than the resistance in parallel with it. Alright? तो battery को हमेशा कैसे connect करना चाहिए. Here, this one was our unknown resistance. So battery is connected such that first condition is the resistance in series with the resistance to be measured is greater than the resistance in parallel with it. देखिए अगर बैलेंस कंडीशन होती है यानी इसमें कोई भी करंट ना हो तो क्या होगा, सीरीज में R होगा, ठीक है, और पैरेलल में कौन सा होगा. यहाँ से जब हम ऐसे जाते हैं तो रेजिस्टेंस के पैरेलल कौन सा होगा, जब यहाँ से हम बैटरी ऐसे कनेक्ट कर दिए यहाँ से यहाँ, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जोड़ने में ये हो गया इसके पैरेलल क्योंकि करंट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है. तो ये वाला रेजिस्टेंस हमेशा इससे ज़्यादा चूज़ करिए. अगर मान लीजिए ये वाला बड़ा होता और ये वाला छोटा होता तो हमें अपनी बैटरी यहाँ से हटा के ये इसके और इसके बीच में लगानी पड़ती, ठीक है. तो फर्स्ट रूल वॉज दिस. सेकेंड रूल, आउट ऑफ द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर द वन हैविंग द हायर रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड बिटवीन द जंक्शन ऑफ टू हाईएस्ट रेजिस्टेंसेस एंड द जंक्शन ऑफ टू लोवेस्ट रेजिस्टेंसेस. बैटरी और गैल्वेनोमीटर दो अलग अलग डिवाइस हैं, दोनों के अपने खुद के रेजिस्टेंसेस होंगे. तो जिसका इन दोनों में, मान लीजिए बैटरी का रेजिस्टेंस है 2 ओम्स, गैल्वेनोमीटर का है 1.5 ओम, तो बैटरी क्या है, हायर रेजिस्टेंस की है. देन द हायर रेजिस्टेंस डिवाइस शुड बी कनेक्टेड बिटवीन द जंक्शंस ऑफ टू हाईएस्ट रेजिस्टेंसेस. अब इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ लीजिए, बैटरी मान लीजिए आपकी है 2 ओम की, गैल्वेनोमीटर आपका है 1.5 ओम का, तो अब हमें कैसे जोड़ना चाहिए. मान लीजिए हमारा सर्किट ऐसा है, ठीक है, ये 6 ओम, ये 8 ओम, ये 3 ओम, ये 2 ओम, ऐसे. अब हम किस में बैटरी जोड़ें, किस में गैल्वेनोमीटर जोड़ें, तो इन दोनों में हायर रेजिस्टेंस किसका है, बैटरी का है, ठीक है. तो बैटरी को दो हायर रेजिस्टेंस वाले के जंक्शन को, हायर रेजिस्टेंस वाले दो कौन हैं, ये इस जंक्शन, और दो लोअर रेजिस्टेंस वाले का जंक्शन कौन सा है, ये दोनों तो नहीं है, इसमें एक हायर है, तो लोअर वाले ये दोनों हैं, लोवेस्ट वाले जो दो होंगे उनका जंक्शन, इन दोनों के बीच में बैटरी जोड़ देनी चाहिए. तब हमारे जो ब्रिज होगा उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी. और इसके बीच में अब क्या जोड़ना चाहिए, गैल्वेनोमीटर. तो देखिए हमारे पिछले सर्किट से कुछ डिफरेंट है, लेकिन हमें यहाँ पर प्रैक्टिकली काम करना है, सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करना. Alright, so these are the two rules of attaching or the connecting galvanometer and the battery. Alright, thank you. Alright, now next topic is meters bridge. Meters bridge is also named as wire bridge. It is nothing but the practical application of
Wheatstone Bridge. It is not in the shape of Wheatstone Bridge, but it is actually the arrangement similar to the Wheatstone Bridge. How? See, here we have seen this Wheatstone Bridge arrangement. In this arrangement, if I place it like this, here this is R, I am simply making it a stretch, and here this resistance is L, this resistance is 100 minus L. So we can simply make this by stretching it like here and here. Now if this L and 100 minus L is not the resistance, it is simply the length, but here I am considering it as resistance, is why I am telling you. Agar ye yahan se yahan tak ka pura tar, yahan se main isko naam de dun A B C, यहाँ से यहाँ तक का तार और यहाँ से यहाँ तक के पूरे तार की लंबाई अगर L होती, और यहाँ से यहाँ तक का अगर मैं कहूँ इसका जो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, जिसको हम और क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी, अगर सिग्मा है इस वायर की, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमने तार कनेक्ट किया हुआ है, रेजिस्टेंस ना कनेक्ट करके एक सिंपल वायर कनेक्ट किया है, इसकी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है, सिग्मा है, ऑल राइट, मान लीजिए इसकी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टिविटी तो हम बाद में देखेंगे, रो से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, ठीक है, उसको बाद में देखेंगे, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इसकी अगर सिग्मा है, तो अगर इसमें हम सिग्मा मल्टीप्लाई करें और इसमें 100 माइनस एल में सिग्मा मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ एल, और लेंथ में मल्टीप्लाई कर लिया रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ से ए और से बी तक की रेजिस्टेंस हो गया ना सिग्मा इंटू एल, और इसी तरह 100 माइनस एल बचा वाला लेंथ, तो 100 माइनस एल में सिग्मा मल्टीप्लाई किया, तो ये बचे वाले लेंथ का रेजिस्टेंस, तो अब ये रेजिस्टेंस के फॉर्म में आ गया। अब देखिए इसी अरेंजमेंट को, अगर मान लीजिए मुझे व्हीटस्टोन ब्रिज बनाना है, तो मैं क्या करता था, यहाँ से यहाँ तक के बीच में क्या जोड़ना रहता था, हमें गैल्वेनोमीटर जोड़ना रहता था, है ना, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में गैल्वेनोमीटर जोड़ने के लिए यहाँ से मैंने गैल्वेनोमीटर एक लिया और ऐसे तार से जोड़ दिया, कोई दिक्कत है, ये मैंने कनेक्ट ना करके एरो क्यों बनाया, क्योंकि इस पोजीशन को मैं यहाँ भी रख सकता हूँ, यहाँ भी ये जुड़ा नहीं है, ये तार है सिंपल, उसमें मैं कहीं भी रख सकता हूँ। अब देखिए ये गैल्वेनोमीटर जुड़ा है, और दूसरा क्या करना होता है, यहाँ से यहाँ के बीच में मुझे बैटरी जोड़नी होती है ना सेल, तो मैंने क्या किया कि ये इस पॉइंट को उठाया ऐसे, और इस पॉइंट से बैटरी सेल कनेक्ट किया, और ये मैंने ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट समझ में आया ना कि व्हीटस्टोन ब्रिज से कैसे ये इस तरह का डिज़ाइन बन रहा है एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में। अब हम अपने एक्चुअल मीटर्स ब्रिज पे आते हैं। देखिए ये है मीटर्स ब्रिज, मीटर्स ब्रिज में ये जो ये वाला स्क्वायर और ये वाला, ये जो पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला शेडेड पोर्शन, ये शेडेड पोर्शन, और ये कॉपर वायर का बना हुआ होता है, केवल जोड़ने के काम आएगा। देखिए मैंने क्या किया, एक नॉन रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ दिया, ये सब कनेक्शन पॉइंट्स हैं, नॉन रेजिस्टेंस आर जोड़ दिया, जैसे यहाँ पे आर है, ठीक है ना, एक अननोन रेजिस्टेंस, मैंने कहा ये अननोन रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू है एस, इसको मैंने यहाँ जोड़ दिया, आप कहीं भी जोड़ सकते हैं अननोन रेजिस्टेंस को, तो मैंने यहाँ जोड़ दिया, देखिए वही बन रहा है जैसा ये ऐसे सीधे में हो गया ना, नीचे वाला ये एक वायर मैंने आपको बताया था आप ले सकते हैं, तो मैंने एक वायर ए से बी तक मैंने एक वायर लिया है, ठीक है, ए से बी तक। अब आप देखिए ए से बी तक वायर लिया हुआ है जैसे यहाँ पे था, ठीक है, और उसके बाद ये पूरा अरेंजमेंट समझ में आया, और ए और बी के बीच में मुझे क्या जोड़ना चाहिए, बैटरी जोड़नी चाहिए, देखिए ऐसे, तो मैंने ए और बी के बीच में बैटरी ऐसे जोड़ दी, क्योंकि नीचे बना नहीं सकते थे, तो ऊपर सेल एंड एक की, एक बटन, ठीक है, ये ऐसे जोड़ दिया। अब उसके बाद इसके और इस दोनों पॉइंट के, यानी ये जो ये बीच वाला पॉइंट है व्हीटस्टोन ब्रिज के, इसके और सबसे नीचे ये जो वायर, पूरा ये वाला वायर है, इसके बीच में ये वाला पॉइंट जो है, इसमें गैल्वेनोमीटर जुड़ना चाहिए, तो गैल्वेनोमीटर को मैंने इस दोनों पॉइंट के जो जंक्शन है यहाँ जोड़ा,
आर और एस के बीच से, और यहाँ मैंने वायर में गैल्वेनोमीटर जोड़ा, लेकिन एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया है। ये केवल सेफ्टी के लिए लगाया जाता है, क्योंकि करंट बहुत ज़्यादा जब हो जाएगी तो करंट हीटिंग इफेक्ट देती है, तो गैल्वेनोमीटर के वायर को गर्म करके गला सकती है, गैल्वेनोमीटर ख़राब हो सकता है। तो इसलिए हमेशा इसमें एक हायर रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जैसे 100 ओम 1000 ओम इस तरह का रेजिस्टेंस। केवल ये रेजिस्टेंस जोड़ा है सिंपल, इसका कुछ इसके एप्लीकेशन से मतलब नहीं है, केवल गैल्वेनोमीटर को बचाने के लिए यूज़ किया है, ठीक है। इसका कोई भी बैलेंसिंग में रोल नहीं है, कोई भी काम नहीं आएगा ये। अब हम ये जो वायर है ये मैंने अलग से बना के रखा है, यहाँ जॉकी पेन जैसा कनेक्ट है, इसको मैं यहाँ भी छुआ सकता हूँ, यहाँ भी ऐसे टच करा सकता हूँ। तो मान लीजिए मैंने यहाँ टच कराया, ये वाले को यहाँ टच कराया, और ऐसी कंडीशन में ऐसा हुआ कि हमारी वो जो बैलेंसिंग कंडीशन है वीटी स्टोन ब्रिज की, ये अचीव हो गई, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो गया। तो ये कंडीशन वीटी स्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन कहलाएगी, यानी गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट नहीं रहेगी, यानी ये रीडिंग कैसी शो करेगा, नो डिफ्लेक्शन बीच में, ठीक है। यानी करंट ना इधर से जाएगी ना करंट इधर से पास होगी। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसकी, कि जब ये हायर पोटेंशियल पे है, चूँकि बैटरी इससे प्लस से कनेक्टेड है ना, यानी ए किस पे है हायर पोटेंशियल पे, बी किस पे है लोअर पोटेंशियल पे, जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे इस तार में वैसे वैसे हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है। एल लेंथ है, मान लीजिए रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ सिग्मा हमने माना है ना, सिग्मा इसकी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। तो सिग्मा इंटू मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की तार की लंबाई है एल, ये पूरा तार कितने मीटर का लिया जाता है, मीटर्स ब्रिज है ना, तो 1 मीटर का लिया जाता है, यानी 100 सेंटीमीटर का। तो 100, अब इसको सेंटीमीटर में रखेंगे तो बची वाली लेंथ कितनी, 100 माइनस एल, सेंटीमीटर। ये किस में, सेंटीमीटर में, याद रखिएगा एल और 100 माइनस एल रेजिस्टेंसेस नहीं है, ये लेंथ हैं। तो ये हमें क्या करना होता है, अब आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, वी हैव टू सर्च फॉर द पोजिशन वेयर वेन वी पुट दिस एरो गैल्वेनोमीटर रीडिंग बिकम्स जीरो और दी बैलेंस कंडीशन इज अचीव्ड। हम यहाँ टच करते हैं, यहाँ टच करते हैं, यहाँ टच करते हैं, पोटेंशियल जैसे जैसे हम यहाँ करेंगे तो सबसे ज़्यादा वैल्यू पोटेंशियल की, जैसे जैसे इधर जाएंगे पोटेंशियल कम, यानी हमें हर एक पोटेंशियल पर टक के देखना है कि किस कंडीशन में दोनों साइड से करंट ज़ीरो हो जाए और पोटेंशियल डिफरेंस यानी करंट इसके जी से होकर करंट कोई पास ना करें, यानी नल डिफ्लेक्शन पोजिशन अचीव हो जाए। तो ये मीटर्स ब्रिज का रोल होता है। अब इसके बाद बैलेंस कंडीशन आ गई, यानी एल और 100 माइनस एल हमने वो पोजीशन ये वाली पाली, मान लीजिए मैंने ये पोजीशन कह दी ये ई पोजीशन है, ठीक है। तो ई पोजीशन पे हमें ऐसा मिला है, तो ये बैलेंस हो गया ब्रिज, यानी अब हम वैल्यूज़ रख दें। तो ये आर है, ये एस है, ये एल है और ये 100 माइनस एल, यानी अब आप अगर उसको ऊपर वाले से कंपेयर करें तो आर एस और ये पी और क्यू का काम करेगा। तो पी बाई क्यू, अब देखिए पी बाई क्यू इज एक्चुअली द रेजिस्टेंस, ऑल राइट, पी बाई क्यू रेजिस्टेंस ऑफ, देखिए यहाँ पे हमने ई पॉइंट कहा है ना, तो ए से ई तक का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ ए ई, ठीक है, अपॉन में क्यू क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ क्या है ये ई बी। तो अब देखिए दोनों का रेजिस्टेंस कैसे, लेंथ में क्या मल्टीप्लाई करें, इस तार का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हमने क्या माना है सिग्मा, तो क्या होगा सिग्मा इंटू एल और सिग्मा इंटू 100 माइनस एल। हम इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एल अपॉन 100 माइनस एल लिख सकते हैं ना। तो ये पी बाई क्यू की वैल्यू आ गई। अब आर बाई एस तो वही रहने वाला है, देन वी विल पुट आर बाई एस सेम। सो नाउ अंडर बैलेंस कंडीशन पी बाई क्यू इज इक्वल्स टू आर बाई एस, बट पी बाई क्यू इज इक्वल्स टू एल अपॉन 100 माइनस एल, इट इज इक्वल्स टू आर बाई एस। सो एस कैन बी इजली कैलकुलेटेड यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एस इज इक्वल्स टू आर एल अपॉन सॉरी 100 माइनस एल अपॉन एल। सो अननोन रेजिस्टेंस एस कैन बी डिराइव्ड यूजिंग वैल्यूज ऑफ एल एंड आर। सो फर्स्ट वी हैव टू कनेक्ट द अरेंजमेंट लाइक दिस,
this R is known resistance. Its value could be any resistance, whether it is 10 ohm, 4 ohm, 15 ohm, आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हमेशा कैसी लेनी चाहिए, लगभग सेम ऑर्डर की लेनी चाहिए. दिस एस इज द अननोन रेजिस्टेंस. नाउ कनेक्ट ऑल दीज अरेंजमेंट गैल्वेनोमीटर, सर्च फॉर द नल पोजीशन इन दिस लेंथ ऑफ वायर. हमें नल पोजीशन खोजनी होती है जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में जीरो करंट हो. जब वो नल डिफ्लेक्शन पोजीशन हमें मिल गई तो यहाँ पे एक मीटर स्केल नीचे जुड़ी होती है. यहाँ से यहाँ एक मीटर स्केल, जैसे पोटेंशियोमीटर में जुड़ी होती थी, एक मीटर स्केल जुड़ी होती है. उससे हम देख सकते हैं कि लेंथ कितनी है. अगर मान लीजिए ये 30 सेंटीमीटर पे नल डिफ्लेक्शन इधर से मिला तो इधर बचा कितना, 70 सेंटीमीटर. तो 100 माइनस एल विल बी 70, एल विल बी 30, तो रिजल्ट विल बी रेशियो ऑफ दिस. तो एस इज इक्वल टू आर, 100 माइनस एल बाई एल. इट इज़ दी फॉर्मूला फॉर मेजरिंग दी अननोन रेजिस्टेंस. नाउ हाउ कैन वी कैलकुलेट रेजिस्टिविटी और दी डिटरमाइन रेजिस्टिविटी. देखिए रेजिस्टिविटी के लिए सिंपल है, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाइड बाई लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया. सो रेजिस्टिविटी विल बी आर ए बाई एल. अगर आपको एक वायर दे दें, कह दें आप इसकी रेजिस्टिविटी बताइए, और आपको एक मीटर स्विच दे दें, देन यू हैव टू फर्स्ट नो दी अननोन रेजिस्टेंस ऑफ दिस दैट वायर. आप उसका रेजिस्टेंस निकालेंगे उस जगह लगा के मीटर स्विच में नल डिफ्लेक्शन मेथड के थ्रू. उसके बाद रेजिस्टेंस आपको पता चल गया, फिर आप उसका एरिया, एस क्रॉस सेक्शन एरिया आप मेजर करेंगे. क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैन बी मेजर्ड यूजिंग रेजिस्टेंस यूजिंग दैट स्क्रू गेज अपरेटस. एंड लेंथ, लेंथ कैन बी मेजर्ड यूजिंग मीटर स्केल और एनी अदर स्केल. सो दिस रो इज इक्वल्स टू आर ए बाई एल. इन आवर केस इट इज आर इज नथिंग बट द अननोन रेजिस्टेंस, दैट इज एस एस ए बाई एल. ए कैसे होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया तार का जो होगा दैट इज डिवाइडेड बाई ए. सो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टिविटी, और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम पर मीटर, सॉरी ओम मीटर. ऑलराइट, तो आप इसकी रेजिस्टिविटी प्रैक्टिकल के फर्स्ट प्रैक्टिकल में आप कैलकुलेट करेंगे. ऑलराइट, थैंक यू.